आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इन खिलाड़ियों के बड़े स्तर पर सरकारी नौकरी में भर्ती की हुई है। याद दिला दे कि कुछ समय पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरी प्रतिभावान खिलाड़ियों को देने के संबंध में बात की थी। अब प्रदेश सरकार की तरफ से सीएम कहें इस वादे को पूरा करने को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। इस बाबत बीते शुक्रवार को यूपी पुलिस भर्ती के परिणाम आए, जो खिलाड़ियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। दरअसल खिलाड़ियों के बड़े स्तर पर भर्ती हुई। सीएम योगी ने प्रदेश के टैलेंटेड खिलाड़ियों को नौकरी दिए जाने की बात कही थी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट में उनके कहे का असर दिख गया। साल 2022 में 534 पदों पर भर्तियां निकली थी, 354 पद पर पुरुषों को और 199 पद पर महिलाओं की भर्ती निकाली गई थी। इस वैकेंसी में 10 पुरुष खेल और 9 महिला खेल रखे गए थे। यूपी पुलिस भर्ती के आए परिणाम में तीरअंदाजी में 12 पुरुष और 10 महिला को चुना गया है। 12 पुरुष और 8 महिला बॉक्सिंग में चुने गए। क्रॉस कंट्री खेल में 8 पुरुष और 6 महिला को चुना गया। 18 पुरुष फुटबॉल में, 10 पुरुष व 10 महिला जूडो में चुने गए। 54 पुरुष और 40 महिला एथलेटिक्स में चुनी गई। 6 पुरुष और 4 महिला को बैडमिंटन में चुना गया। टेबल टेनिस में चुने गए खिलाड़ियों की संख्या 3 और पुरुष 2 महिला हैं। 9 पुरुष व 8 महिलाएँ भारोत्तोलन में चुने गए। अन्य कई खेलों में पुरुष महिला का चयन किया गया है। अलग अलग पदों पर इन खिलाड़ियों को चुना गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।